वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल कुकिंग चॉइस में आप सभी की स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल रेसिपी, जो है आलू लच्छा नमकीन। तो आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए, आधा केजी आलू ले लिए हैं। आप छोटे बड़े किसी भी साइज के आलू ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से छील लेना है। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से छील करके साफ कर लिए हैं और अब हमें इस तरह के ग्रेटर लेना है। तो देखिए, इस छोटे वाले पर नहीं हमें आलू के शेप बनाना है, ये बड़े वाले साइज पे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े ये बूंदे, इसी पर एक आलू लेंगे और इस तरह से इसे मेथी करेंगे, लंबे लंबे पीसेस में लच्छे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लच्छे बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम सभी लच्छे को एक बाउल में डालेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए, इसे कम से कम हमें दो तीन पानी धोना है। तो देखिए, और इसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से, हल्के हाथों से इसे मसल मसल के धो लेंगे। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिए हैं। देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है, एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम इसे 10 मिनट तक पंखे के नीचे डाल देंगे अच्छे से पानी को सूखने के लिए। तो देखिए, पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके लच्छे डाल देंगे इस तरह से, और गैस को मीडियम में रखेंगे। तो देखिए, इसे इस तरह से अलटते पलटते हुए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसे और हल्का सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए, इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो देखिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, और इसी बचे हुए तेल में मूँगफली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हम 50 ग्राम के करीब मूँगफली के यूज किए हैं। इसे भी हल्का कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, मूँगफली भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, अब हम इसे भी सभी को निकाल करके रख लेंगे। तो देखिए, हमारे लच्छे कितने क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है, और इसी में हम ये मूँगफली को डाल देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, आधे छोटे चम्मच हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब ये काली नमक, और इसे सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी मसाला की यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। तो देखिए, कितने क्रिस्पी बन करके दिखा रेडी हुआ है। देखिए, हम इसे तोड़ करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कितने आसानी से टूट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी तरह से टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।